नमस्कार, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रूबिकॉन खाना दिल से। त्योहारों का सीज़न चल रहा है, मेहमान आते हैं, कोई मिठाइयों देने के लिए आ रहा है, कभी ताश पार्टी चल रही है, कभी फैमिली गेट टुगेदर हो रही है, तो हमेशा एक घर में प्रॉब्लम रहती है, भाई नए से नई चीज़ें बनाएं तो बनाएं क्या, कितनी की चीज़ें नई बनाई जाएँ। आज मैं आपके लिए बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही स्वाद चिकन करी, इट्स ए होम स्टाइल चिकन करी। दिस इज़ माई सीक्रेट रेसिपीज ऑफ माई मॉम। लेट मी टेल यू वन थिंग, माई मॉम इज़ टोटली वेजिटेरियन, इवन शी डजेंट ईट गार्लिक, लेकिन जब भी वो चिकन करी या मटन करी या कीमा कलेजी वगैरह बनाए, बिलीव इट और नॉट, पड़ोसी भी ये समझ जाते हैं कि आज सेठीज के घर में नॉन वेज बना हुआ है। आई एम ओपनिंग द सीक्रेट ऑफ माई मॉम, जो कि मेरा भी सीक्रेट है, मैं उससे लर्न किया, मैं आप सबको सिखाता हूँ उसके बारे में। बनानी बहुत आसान है, तो उस चिकन करी है तो चिकन तो नेचुरली हमें चाहिए ही चाहिए, तो लेट मी टेल यू ऑल द इन्ग्रीडियंट्स फर्स्ट कि हमें चाहिए क्या क्या है उसके लिए। मैंने जो चिकन लिया है, आई टेक अबाउट 1 pound बोनलेस थाई मीट। आप बोनलेस नहीं लेना चाहते, अगर ऑन द बोन लेंगे तो फ्लेवर ज़्यादा होगा, तो आप डेफिनेटली ऑन द बोन चिकन लीजिए। अगर किसी को रिस्ट्रिक्शंस है, भाई हेल्थ इश्यूज हैं एंड ही कैन ओनली और शी कैन ईट ओनली वाइट मीट, तो ब्रेस्ट मीट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। जो मैंने लिया है वो है बोनलेस थाई मीट। और क्या क्या सामान चाहिए, लेट मी शो यू एवरीथिंग। वी नीड फ्रेश टमाटोज फाइनली चॉप, अनियंस, मैंने रेड अनियन यूज़ किए हैं, आप वाइट अनियन यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शुड बी फाइनली चॉप। गार्निशिंग के लिए हमें जिंजर और धनिया चाहिए। व्हाट एल्स वी नीडेड, चॉप्ड, फाइनली चॉप्ड फ्रेश जिंजर, ग्रीन चिली, सीजनिंग के लिए हमें नमक स्वाद अनुसार, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, हल्दी, होल स्पाइसेस, बे लीफ, तेजपत्ता जिसे हम कहते हैं, क्लोव्स, लौंग, ब्लैक कार्डामम, क्यूमन सीड्स, होल ब्लैक पेपरकॉर्न्स, ग्रीन कार्डामम। फिनिशिंग टच के लिए हमें चाहिए गरम मसाला, कसूरी मेथी और हमें चाहिए योगर्ट, इसमें हम थोड़ा सा योगर्ट मिक्स करेंगे। अगर किसी को एलर्जी है डेयरी प्रोडक्ट से, सो यू कैन इजिली स्किप, सो इट इज़ ऑप्शनल। योगर्ट से स्वाद जरूर बढ़ता है, देखने में कलर अच्छा आता है उसका, लेकिन अगर किसी को रिस्ट्रिक्शन है तो आप इसको डेयरी प्रोडक्ट को आउट कर सकते हैं। और हमें चाहिए गार्लिक, फ्रेश गार्लिक। सो ये सारा सामान हमें चाहिए जो कि हमें चिकन करी बनाने के लिए। बनाने की विधि बहुत आसान है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सीक्रेट रेसिपी है। सीक्रेट रेसिपी, वाई इट इज़ सीक्रेट, नाउ यू विल फाइंड इट आउट। सबसे पहले हम इसका गार्लिक का थोड़ा सा पेस्ट बनाएंगे, तो फ्रेश गार्लिक को साफ करके उसके क्लोव्स जो हैं, वी विल टेक अबाउट 7 to 8 पीसेज ऑफ दैट वन। इसमें हम सारे के सारे गरम मसाले डालेंगे जो होल स्पाइसेस हैं। ब्लैक पेपरकॉर्न 8 to 10 पीसेस, 2 छोटी इलायची, ब्लैक कार्डामम 2, क्लोव्स 3 पीसेस और बेलीफ 1 or 2, 1 टीस्पून ऑफ योर जीरा, क्यूमन सीड्स। ये सारी चीज़ें हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे और उसके बाद हम चिकन करी शुरू करेंगे। इसको पेस्ट बनाने के लिए हमें थोड़ा सा पानी लेना पड़ेगा, उसके अंदर पानी डाल दो और इसका हम ब्लेंडर के थ्रू फाइन पेस्ट बनाएंगे। दिस इज आवर गार्लिक पेस्ट इज रेडी। इसका फ्लेवर और अरोमा लेके देखो, यहीं से पता चल जाएगा कि आप चिकन करी या नॉन वेज बनाने लगे हो। सो दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट थिंग टू डू इट। सो हमारा गार्लिक पेस्ट तैयार है, गैस को कीजिए ऑन। थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। हमारा तेल गरम है, अब इसके बीच में स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, अबाउट 1/2 teaspoon। जीरा डालने के बाद अबाउट 1/2 cup ऑफ चॉप्ड अनियंस,
और इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो हमारी पहली स्टेज होगी उसकी प्याज को पकाने की, और उसके बाद जो हमने गार्लिक पेस्ट मसालों के साथ जो इकट्ठा पीसा है उसके डालते ही जो फ्लेवर आएगा आप कहोगे कि आज तो खाने में मज़ा आ गया। अनियन ब्राउन होते होते कम से कम 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर आपके लग जाएंगे। अब बस ऑलमोस्ट इट इज़ देयर, हमारी पहली स्टेज ख़त्म हो रही है चिकन करी बनाने की। एज़ यू कैन सी जो कलर है अनियंस का वो चेंज होना शुरू हो गया, सो दैट इज़ अ स्टेज। बट ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपको कीप ऑन स्टिरिंग, नहीं तो क्या होगा कि एक तरफ से जो अनियंस हैं वो ब्राउन हो जाएंगे और दूसरी तरफ से ब्राउन नहीं होंगे। सो इट्स सब तरफ से एक जैसा होना चाहिए। तो ये प्याज हमारा कलर जो है चेंज करने लग गया। अब हम इसमें डालेंगे द सीक्रेट ऑफ माई मॉम, मसालों के साथ पिसा हुआ गार्लिक, और इसको डालते ही द फ्लेवर व्हाट यू विल गेट इट ये बताने का नहीं है। काश मैं आपको इधर से आपको स्मेल दे सकते कि भाई इसमें कितनी अच्छी स्मेल आती है। घर में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा। और जब एक बार हमने गार्लिक मसालों के साथ जब डाल दिया, कीप ऑन कुकिंग फॉर 2 मिनट्स एटलीस्ट, या जब तक कि गार्लिक थोड़ा फ्राई पैन या किसी भी पॉट में आप बना रहे हैं थोड़ा नीचे ना लगने लग जाए, जब रड़कने पड़े तो इसका मतलब आपका गार्लिक पूरा भुन चुका है। तो इसकी भुनाई होनी बहुत अच्छी जरूरी है। गार्लिक हमारा पूरी अच्छी तरह भुन गया है, पूरी तरह कुक हो गया है। सो नाउ द स्टेज इज देयर टू ऐड सम टोमेटोस। भाई टोमेटोज कितने डालने हैं जो फाइनली चॉप किए हुए हैं? जितना आप अनियन डालें उसका 3/4, यानी कि हमने पहले 1 कप डाला था वो अनियंस, तो 3/4 ऑफ दैट यू हैव टू पुट द टोमेटोस। टमाटर को अच्छी तरह सारे मसाले को स्टिर करते रहो। और अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी सीजनिंग एंड फ्रेश जिंजर एंड ग्रीन चिली। ग्रीन चिली भाई जब ढाबे की चिकन करी बन रही है थोड़ी स्पाइसी तो होनी चाहिए। मेरे को स्पाइसी पसंद है, अगर आपको कम पसंद है तो कम डालना। जिंजर फाइनली चॉप, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च, टर्मरिक, सीजनिंग डालने के बाद टमाटरों और प्याज को सबको भुनने के लिए, भाई प्याज तो हमारा पहले भुन गया था, टमाटर को भुनने के लिए टेक्स अबाउट 10 मिनट्स। जब तक ये प्याज वगैरह टमाटर भुन रहा है आप छोटे से ब्रेक के लिए जाइए, जब तक ये टमाटर भी तैयार हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा कसर रह जाएगी चिकन डालना और हमारी चिकन करी तैयार हो जाएगी। टेक ए शॉर्ट ब्रेक। The host, fine Indian cuisine. Delivering exciting flavors, fresh ingredients, and exceptional services is our passion with pride. We present the culinary pearls of Indian cuisine. The host has earned the name with quality food and sincere service. The use of 2 important ingredients, patience and passion. The host, fine Indian cuisine. You are welcome. Visit www.welcometohost.com. The host, fine Indian cuisine. Did you know? In a Shana Naan, there are no preservatives. In a Shana Naan, just fresh ingredients. In a Shana Naan, flame baked in a tandoor. Shana Naan, an authentic taste. In a Shana Naan, from the freezer.
The Weekly Voice, Canadian leader in South Asian news. We cover the community here and across the world. 40,000 copies each week. Two editions, Wednesday and Saturday. Four sections, community, automotive, Bollywood and real estate. Stay up to date with what's happening here and back home. Plug into opportunities and trends that can change your life. The Weekly Voice, Canadian leader in South Asian news. Get your paper edition or read online at weeklyvoice.com. देवी देवताओं और महात्माओं की सुंदर मूर्तियाँ और तस्वीरें, भव्य और आकर्षक मंदिर, ज्ञान और धर्म को संजोए पुस्तकें और डीवीडीज, स्वर और संगीत का साथ देते ये साज, पारंपरिक विधि के अनुसार विवाह से जुड़ी वस्तुएं, कला और संस्कृति को दर्शाते ये सुंदर फर्नीचर और सजावट का सामान बस मिले एक ही जगह, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मैलनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। This year's festival and holiday season, a tribute to 100 years of Indian cinema by none other than Sudesh Bhosle. Singing all-time favorites. To book the show in your city, call Ajay Modi at 905-997-6000. If you like the taste of the tropics, there's a new drink called Sun Exotic. Sun Exotic, Sun Exotic. The fruit mix is fantastic and the taste so terrific. Sun Exotic, Sun Exotic. From the makers of Rubicon. You are watching Rubicon Khana Dil Se, presented by Shana Frozen Food, like always fresh. India's Sajawat and Puja Hut for all your religious and festival needs. And the host, Fine Indian Cuisine. Tomato pure ke pure bhun chuke hain. As you can see, the oil starts coming up. So, ye ek indication hoti hai ki masala achhi tarah bhunai hui hai. Bhai, Indian cooking ke andar kya hai ki achhi tarah bhuni hui honi cheez chahiye. To usse swad nahi aata hai bahar. तो ऑयल हमारा थोड़ा बहुत ऊपर आ गया है, तो इसका इंडिकेशन यही है कि हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है. सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेज. वी जस्ट हैव टू ऐड द चिकन. गोइंग टू ऐड द चिकन इन इट. इसको स्टिर करके थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे दही. इट्स ए नेचुरल योगर्ट, होममेड योगर्ट. About 2.5 teaspoon of your yogurt. इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक, अगर आप ऑन द बोन चिकन ले रहे हैं तो उसका जो टाइम है वो ज़्यादा कुक होने में लगेगा. तो अबाउट 5 मिनट के बाद थोड़ा सा वाटर ऐड करना है. अगर आप बोनलेस चिकन ले रहे हैं तो 3 मिनट तक. अगर आप बोनलेस वाइट मीट चिकन ले रहे हैं तो 2 मिनट बाद, क्योंकि वाइट मीट जो चिकन है वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है. लेग मीट थोड़ा टाइम लेता है और ऑन द बोन कुक होने में ज़्यादा टाइम लेता है. तो यही मैंने आपको टाइम डिफरेंस बताया. एक बात और, अगर आप चिकन, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसी मसाले के साथ में आप कोई भी ऑप्शनल रख सकते हैं. आप पनीर ऐड कर सकते हैं तो मसाला पनीर बन जाएगा. आप मशरूम ऐड कर सकते हैं तो मसाला मशरूम बन जाएंगे. तो एक ही मसाले के साथ में, और इस मसाले को बनाने के बाद आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर. तो आपका मसाला तैयार है. जैसे ही कोई मेहमान आए तो कभी आप पनीर खिलाइए, कभी आप मशरूम खिलाइए और चिकन करी बनाइए. तो एक तीर से दो दो तीन तीन निशाने हमारे हो जाएंगे. अब जैसे 5 मिनट के बाद चिकन हमारा भुन गया है, हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको ढक के रख देंगे मीडियम आँच के ऊपर. ढकने से पहले एक बॉयल आना बहुत ज़रूरी है. तो एक बॉयल आने के बाद इसको ढक दीजिए. टेक्स अबाउट अनदर 10 मिनट्स टू कुक. चिकन करी विल बी रेडी. और बस उसके बाद तो सिर्फ परोसना है और कुछ नहीं है, और खिलाना है और खाना है. जैसे कि मैंने कहा था कि फर्स्ट बॉयल आ गया, एक आध मिनट इसको और बॉयल करने के बाद इसको ढक दीजिए. और जो टेम्परेचर है वो मीडियम
पे लेकर के कुक अबाउट 8 to 10 minutes, चिकन करी विल बी रेडी। मेरे ख्याल से चिकन करी बिल्कुल तैयार है। एज़ यू कैन सी, फ्लेवर तो मैं ही ले सकता हूँ, आप नहीं ले सकते। आप भी लेंगे जब आप घर पे बनाएंगे। एक पीस को थोड़ा सा काट कर देख लीजिए कि आपका चिकन बिल्कुल पक गया है। सो द लास्ट जो फिनिशिंग टच इसके ऊपर है कि उसको निकालने से पहले थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाले को कभी भी पहले मत डालो वरना उसका जो कलर है वो कालेपन में आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ब्लैक पेपर कॉर्न, आपका होल कार्डामम इज़ देयर। सो सारे स्पाइसेस जो होते हैं तो उसका कलर चेंज कर देते हैं। तो गरम मसाले का एक तो फ्लेवर और कलर वाइज सबसे आखिर में ही डालना चाहिए। तो वो हाफ ए टीस्पून ऑफ योर गरम मसाला, कसूरी मेथी, ढाबे की चिकन करी, घर की चिकन करी बन रही है तो कसूरी मेथी तो जाएगी। पाम में थोड़ा सा उसको पीस के डालो, और हरा धनिया। नहीं, देसी खाने में जब तक हरा धनिया ना डले तो मज़ा ही नहीं आता। एक बार स्टिर करके और इसको परोसने के लिए भी खाना, इसको चिकन करी को दिया किसके साथ जाए, आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, गरम गरम फुलके जो चपातीस घर में बनती हैं उसमें भी खा सकते हैं, परौंठे लेना चाहें वो भी हो सकता है। चिकन करी इज़ रेडी। स्टॉप दिस वन एंड डिश इट आउट। सा गार्निश करो फ्रेश जिंजर से। चिकन करी इज रेडी टू हैव। मेरे से तो रुका नहीं जा रहा, मेरा तो बिल्कुल दिल कर रहा है कि इसको फटाफट खाया जाए और गरम गरम फुलके मिल जाए, चपातीस मिल जाए, बैठे बैठे आनंद आ जाएगा इसको। आप भी इसका आनंद लीजिए और सारी की सारी रेसिपी नोट करके घर में ट्राई करके एकदम सारे मेहमान जितने भी आपके आएंगे क्या बनाया है, फर्स्ट क्लास चिकन करी बनेगी। ट्राई इट एट होम एंड यू विल लव दिस रेसिपी। एंजॉय इट। इफ यू लाइक द टेस्ट ऑफ द ट्रॉपिक, देयर्स अ न्यू ड्रिंक कॉल्ड सन एक्सोटिक। The fruit mix is fantastic and the taste so terrific. Sun Exotic. From the makers of Rubicon. Tere bina zindagi se koi shikwa to nahi. This year's festival and holiday season, a tribute to 100 years of Indian cinema by none other than Sudesh Bhosle. Singing all-time favorites. To book the show in your city, call Ajay Modi at 905-997-6000. Devi, devtaon aur mahatmaon ki sundar murtiyan aur tasveerein, bhavya aur akarshak mandir, gyan aur dharm ko sanjoye pustakein aur DVDs, swar aur sangeet ka saath dete ye saaz, paramparik vidhi ke anusar vivah se judi vastuein, kala aur sanskriti ko darshate ye sundar furniture और सजावट का सामान बस मिले एक ही जगह, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। The host, fine Indian cuisine, delivering exciting flavors, fresh ingredients and exceptional services are passion with pride. We present the culinary pearls of Indian cuisine. The host has earned the name with quality food and sincere service. The use of two important ingredients, patience and passion. The host, fine Indian cuisine. You are welcome. Visit www.welcometohost.com. The host, fine Indian cuisine. Do you want to promote your business products and services on Rubicon Khana Dil Se?
contact AME Telefilms at 647-669-1000 or 1-855-711-8889. You can also write to us at business@ametelefilms.com. Moments can change your life. They can make you nervous and bring out your passion. Moments can unite you. They make you laugh out loud or bring a tear to your eye. Moments are first imagined with every detail carefully planned and rehearsed in your mind. Moments can be perfect and moments can define who you are. They bring out the best of you and challenge you to be better. Moments are meant to be shared, cherished, and treasured. Raise your glass to turning a moment into an unforgettable memory. Apollo Convention Center. Book your event today. Call 905-670-8009 or visit apolloconventioncenter.com. You are watching Rubicon Khana Dil Se, presented by Shana Frozen Food, like always fresh. India's Sajawat and Puja Hut for all your religious and festival needs. And the host, Fine Indian Cuisine. ये जो रेसिपी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, कॉकटेल्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं, खाने से पहले एज ए एपेटाइजर भी सर्व कर सकते हैं। बहुत आसान है बनाने में, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है, और बच्चे भी इसको पसंद करेंगे, मिडल एज के लोग भी पसंद करेंगे, बुज़ुर्गों भी बहुत पसंद आएगी। हेल्दी है क्योंकि इसके अंदर मैं फ्राई नहीं करूँगा, इट विल बी ग्रिल्ड। सो थोड़ा सा इसके अंदर मैं ट्विस्ट लेकर के आया हूँ कि जैसे कि हम तंदूरी मशरूम बनाते हैं, भाई तंदूर हर एक घर में तो होता नहीं है, तो आप इसको ग्रिल कर सकते हैं बॉयलर के ऊपर। स्टफिंग इसके अंदर करेंगे हम पूरी। तो हमें मशरूम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? मशरूम तो हमें चाहिए, तो मैंने इसको पहले से ही इसको जो पीछे का बैक पोर्शन होता है उसको निकाल करके थोड़ा सा उसको होल बना लिया, जैसे कि स्टफिंग उसके अंदर अच्छी खासी हो जाए। साथ में मैंने क्या किया है, ट्विस्ट जैसे मैंने पहले कहा, तो आई एम गोइंग टू यूज़ द स्पिनच, सनड्राई टोमेटो, और साथ में मैंने मोज़रेला चीज़ रखा है। अगर आप मोज़रेला चीज़ नहीं लेना चाहते, अगर आप पनीर लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और कोई स्टफिंग स्पिनच नहीं लेना चाहते, सिर्फ पनीर की स्टफिंग, पनीर विद सनड्राई टोमेटो ले सकते हैं। सनड्राई टोमेटो नहीं भी खाना चाहते तो उसके बगैर भी आप ले सकते हैं, मशरूम एंड स्पिनच की स्टफिंग ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि स्टफिंग आप कोई भी ले सकते हैं, मैरिनेशन वही रहेगी, सिर्फ स्टफिंग ही चेंज होगी, बनाने की विधि भी वही रहेगी। बाकी सब सामान सीजनिंग के लिए, नमक, थोड़ी सी मिर्च ऑप्शनल है, आई लव टू पुट चॉप ग्रीन चिली, जब तक थोड़ा सा स्पाइसीनेस ना आए तो लगेगा नहीं भाई हमने कुछ खाया है। हल्दी, दैट्स अ टर्मरिक, चॉप फ्रेश जिंजर, रोस्टेड चिकपीस फ्लावर, दैट्स अ चना पाउडर, कॉर्नस्टार्च, दैट इज़ फॉर द बाइंडिंग, एंड आई एम गोइंग टू यूज़ द योगर्ट, दैट्स ए प्रेस्ड योगर्ट, जिसको हम हंगर्ट बोलते हैं, हंगर्ट को यूज़ करेंगे हम, और थोड़ा सा इसके बीच में ऑयल डालेंगे मैरिनेशन के लिए। दीज आर द थिंग्स वी नीड इट फॉर स्टफ्ड मशरूम। सबसे पहले हम इसको दो स्टेजेस में बांटा जाएगा कि एक तो हम स्टफिंग तैयार करेंगे और इसकी हम मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो पहले हम अपनी इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए क्या है, फ्रेश आप स्पिनच लेकर के उसको पारबॉयल कर लीजिए और उसको चॉप कर लीजिए, जो कि मैंने पहले से ही रखा हुआ है। तो ये हमने स्पिनच ले ली, साथ में सनड्राई टोमेटो मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाता है, उसको छोटा छोटा पीसीस के अंदर काट लीजिए सनड्राई टोमेटो। थोड़ा सा सॉल्ट, बिकॉज मैरिनेशन में भी सॉल्ट जाएगा, तो थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। चिलीज चटपटा करने के लिए थोड़ा सा चिलीज डालनी जरूरी है, एंड आई विल पुट द जिंजर। ये सब चीज़ें और थोड़ा सा मोज़रेला चीज़, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आप मोज़रेला चीज़ नहीं डालना चाहते तो पनीर भी डाल सकते हैं। इन सब मिक्स को करने के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और इसको मिक्स इस तरीके से होना है कि स्टफिंग करने में आसानी रहे। जितनी स्मूथ होगी ही उतना ही आसान होगा उसको स्टफ करते हुए। तो हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी सेकंड स्टेज में जाएंगे, वो है इसकी मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, प्रेस्ड योगर्ट, ये आजकल इजीली मार्केट में अवेलेबल है,
turmeric, salt, chili powder, thoda sa cornstarch for the bind, roasted chana powder, और slightly सा हम इसमें डालेंगे oil, और इस marination को जो इसकी marination करने के लिए जो बनाया है हमने इसको अच्छी तरह से mix कर लेंगे. ये सब चीज़ें तैयार हो गई. मशरूम की एक साइड के ऊपर, एक साइड पे तो हम स्टफिंग कर रहे हैं, दूसरी साइड में इसको मैरिनेट करके रख लेंगे. और मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप राइट वे स्टफ़ करके इसको ग्रिल कर सकते हैं. द पर्पस ऑफ एडिंग द कॉर्न स्टार्च और जो इसमें रोस्टेड चना पाउडर डाला है, क्योंकि मशरूम के ऊपर कोई भी चीज़ जो है लिपटती नहीं है, तो इससे क्या होगा कि अच्छी तरह से वो लिपट जाएगा और खाने में भी स्वाद आएगा, पूरा तंदूर का स्वाद आएगा. इसके फ्लेवर्स सारे के सारे देसी, अंदर से ये पूरा का पूरा नॉन इंडियन, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ दैट वन. इस तरीके से आप सारे के सारे मशरूम को मैरिनेट कर लो. मशरूम हमारे मैरिनेट हो गए, जैसे कि आपने देखा कि सारे के सारे. अब इसमें हमने सिर्फ स्टफिंग लेनी है और ओवन के अंदर हमने, आप बेकिंग पेपर लेकर के इसमें डाल करके बेक कर लो. स्टफिंग अच्छी खासी होनी चाहिए, जो स्टफिंग हमने तैयार की थी इसको अच्छी तरह से भर लो और ऊपर से थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ लगा लो, जिससे कि उसकी स्टफिंग कभी भी बाहर नहीं आएगी. देखने में भी सुंदर लगेगा, खाने में भी स्वाद लगेगा. इस तरीके से सारे मशरूम्स अच्छी तरह से स्टफ्ड. भाई ओवन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है. ओवन में प्री हीटेड होना चाहिए. जब भी आपका प्री हीटेड ओवन हो, सो इट शुड बी ऑन द ब्रॉयल, सो इट विल बी फास्टर, गिव्स ए फाइन कलर कि जैसे रोस्ट हुआ हो, तंदूर जैसे पूरा का पूरा फ्लेवर आएगा. अबाउट 3 मिनट्स to cook the mushroom and ready to serve it, just takes about 3 minutes. Stuffed mushroom is ready to serve. साथ में आपने चटनी दीजिए और properly garnish करके गर्मा गर्म परोसिए. इतने गर्म है कि हाथ भी नहीं लगाया जा रहा. Stuffed mushroom, stuffed with स्पिनिच, सन ड्राई टमाटो, थोड़ी सी हरी मिर्चें, पूरे तंदूरी मसाले के साथ. और जिसमें तंदूर की आपको ज़रूरत नहीं है, फ्लेवर तंदूर वाला आएगा, बच्चे भी पसंद करेंगे, देखने में जैसे मैंने कहा था पूरे खूबसूरत होंगे. ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, यू विल लव इट. जैसे कि आज आपने सीखा कि रेसिपीज़ बनानी बहुत आसान है, सिर्फ उसके लिए आपको दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो प्यार चाहिए और पैशन चाहिए कुकिंग के लिए. दोनों के दोनों आसान सी रेसिपी मैं आपको देता रहूँगा और अगले शो में फिर मिलेंगे आपसे, जिसका नाम है रूबीकॉन खाना दिल से. आप हमारे से बिल्कुल कॉन्टैक्ट में रहना, sanjeev@khanadilse.com. फिर मिलेंगे आपसे बहुत आसान सी बट स्वादिष्ट सी रेसिपीज़ के साथ. अगले हफ्ते आपको फिर मिलेंगे इसी शो में जिसका नाम है रूबीकॉन खाना दिल से. टिल दैट टाइम, नमस्कार, बाय बाय.